एट एंगल कॉर्न कॉर्पोरेशन से जॉन वेज। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, और आज हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। रॉबर्ट किसी खास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बातें नहीं करेंगे, वो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र या संगठन के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदे बताने जा रहे हैं, और ये भी कि किसी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। हाय रॉबर्ट, हमारे साथ चर्चा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपके साथ चर्चा करके मुझे भी खुशी होगी। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल ये आती है कि बहुत सारे लोग आपका हौसला पस्त कर देते हैं। आप जब मैदान में उतरते हैं तो लोग आपका हौसला बढ़ाने के बजाय आपकी हूटिंग करते हैं। इसका कारण ये है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। यही लीडरशिप की कला का लाभ है कि ये आपको कठिन परिस्थितियों में भी मुश्किलें झेलने की हिम्मत देती है। यही आपका पॉइंट नंबर 8 यानी फायदा नंबर 8 है। नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा हमें फायदा नंबर 8 में मिलता है, यानी लीडरशिप कला का फायदा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आप में लीडरशिप की कला होनी चाहिए। आपको एक एंटरप्रेनर बनना होगा। आप बिल गेट्स जैसे अमीर लोगों की तरफ देखें, वो अपने क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं, उनमें लीडरशिप की क्षमता है। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, कि लोग उनकी कितनी बुराइयां करते हैं। दूसरे शब्दों में, वो अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं, और इसलिए वो महान लीडर कहलाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आपको लीडर बनना होगा। इसलिए जब 1974 में मैं पहली बड़ी एजुकेशनल रैली में गया, तो मैं जिस नए किस्म की शिक्षा की तलाश कर रहा था, वो मुझे उस टेप सेट से मिली जिसका नाम था लीड द फील्ड। अर्ल नाइटिंगेल के इस टेप सेट से मुझे लीडरशिप की कला सीखने को मिली। इसके अलावा जिस एक और टेप सेट ने मुझे इस बारे में काफी मदद की, वो था टोनी अलेक्जेंड्रा का 10 क्वालिटीज ऑफ कैरिज्मेटिक पीपल। दोनों ही टेप सेट नाइटिंगेल कॉन्वेंट के हैं। आपको सफल होने के लिए लीडर बनना पड़ेगा, अपने आप को बदलना होगा, और आपको अतीत को छोड़ने का साहस लेना पड़ेगा, तभी आप नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां और नाइटिंगेल कॉन्वेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको ई और एस क्वाड्रेंट के बाहर निकलने में मदद करती हैं और आई क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो रॉबर्ट, आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भविष्य उज्जवल है और ये आगे और तेजी से विकसित होगा? मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और ये आगे और ज्यादा और भी तेजी से विकसित होगा। इसका पहला कारण ये है कि लोग सुरक्षा की जाल को समझ चुके हैं। कई लोग अब भी कहते हैं, मैं सुरक्षित नौकरी तलाश रहा हूं। नींद से जाग जाओ भैया, क्योंकि सुरक्षित नौकरियों का युग अब खत्म हो गया है। और अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने का विचार बना रहे हो, तो भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने दिन की नौकरी करते रहें और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। इसमें मानसिक समझदारी तो है ही, इसमें टैक्स बचाने की भी समझदारी है, क्योंकि जिस पल आप अपना घरेलू बिजनेस शुरू करते हैं, आपको टैक्स में भी छूट मिलती है, क्योंकि सरकार ये चाहते हैं कि लोग अपना बिजनेस शुरू करें। इसलिए बी क्वाड्रेंट के लोग कम टैक्स देते हैं और ई या एस क्वाड्रेंट के लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए, वो है हमारी आजादी। दूसरा कारण, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कि स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, तो इससे लोगों के पास अब कोई विकल्प बचा ही नहीं है। नौकरियों की सुरक्षा बची नहीं है, रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा का जिम्मा अब कंपनी या सरकार का नहीं रह गया है। अब कंपनियां साफ कह देती हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लें। ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि सभी देशों में हो रहा है, और ये 70 के दशक से शुरू हो चुका है। अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, कंपनियां इस जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कर चुकी हैं। अब ये कर्मचारियों की खुद की जिम्मेदारी है, और कर्मचारियों को खुद ही योजना बनानी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग जान चुके हैं कि अपनी आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक भविष्य के लिए स्टॉक मार्केट के भरोसे बैठना मूर्खता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि दुनिया के इतिहास में पहले कभी इतने ज्यादा लोगों ने स्टॉक मार्केट में आर्थिक भविष्य को दांव पर नहीं लगाया, जितने कि आज के लोग कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट कभी बूम होता है और स्टॉक मार्केट कभी क्रैश होता है। आपका क्या होगा अगर आप 80 साल के हैं और स्टॉक मार्केट के क्रैश होते होते आपका जीवन भी क्रैश हो जाता है?
अब आप नए सिरे से कोई नौकरी नहीं ढूंढ सकते, इसलिए अच्छी तरह सोच विचार कर ले। मेरी समझ से तो यही ठीक रहेगा कि लोग अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लें या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाएं। इस तरह वो अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकेंगे, उनके पास ऐसे दोस्त होंगे जिन पर वो भरोसा कर सकें। अभी तो अपनी कंपनियों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं यही कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खड़ा कर लें, क्योंकि इसमें फायदा ही फायदा है। तो रॉबर्ट, नेटवर्क मार्केटिंग शिक्षा और एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये कहना चाहते हैं कि इन सभी का उद्देश्य है कि लोग अपनी जिंदगी बदल लें। बिल्कुल, हमने ये प्रोडक्ट इसलिए बनाया है ताकि इस इंडस्ट्री और इससे जुड़े लोगों का हम समर्थन कर सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बिजनेस के बाहर से आया हूं और एक बार मैंने इस बिजनेस से मुंह मोड़ लिया था। शायद इसलिए मेरी बातों से लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कितने फायदे का बिजनेस है। रॉबर्ट, अंत में मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा है कि 3 बिल्लियां फेंस पर बैठी है और वो एक फैसला करना चाहती है। क्या आप जल्दी से हमें उन बिल्लियों की कहानी सुनाएंगे? श्योर। सालों पहले मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था कि 3 बिल्लियां फेंस पर बैठी हुई हैं और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि मान लो कि 2 ने कूदने का फैसला कर लिया है तो अब फेंस पर कितनी बिल्लियां बची हैं, और मैंने जवाब दिया 1। पर मेरे अमीर डैडी ने कहा नहीं, वहां अब भी 3 बिल्लियां हैं। फैसला करने का ये मतलब नहीं कि वो फेंस पर से कूद गई हैं, और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। वो फैसला कर लेते हैं पर वो कभी भी छलांग नहीं लगा पाते, वो कुछ भी नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ बढ़िया बात यह है कि आपके पास नए दोस्त होते हैं, वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप कुछ हटकर करें और अपनी किस्मत को बदल लें। हो सकता है वो आपको मजबूर न करें पर वो आपको पूरी ताकत से प्रोत्साहित जरूर करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक आदमी फेंस पर से कूदे। फेंस पर से कूदने के बाद आपके लिए काफी समर्थन मौजूद रहता है। मेरे उद्योग यानी नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग और नाइटिंगेल कॉन्वेंट में बहुत से लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। मुझे नाइटिंगेल कॉन्वेंट का पता तभी चला जब मैं फेंस पर से कूद गया, जब मैंने पहला कदम उठा लिया। मैं आप सभी को यही सलाह देता हूं कि जब आप पहला कदम उठा लेंगे, जब आप छलांग लगा लेंगे, तब आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके जीवन को बदलने में आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। आप जिंदगी को नए अंदाज में जी सकेंगे, आप नई तरह से सोच सकेंगे। मेरी वेबसाइट richdad.com पर हमने आपकी मदद के लिए कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रखी हैं। हमारे पास महान शिक्षकों और महान परामर्शदाताओं की बहुत बड़ी और बढ़िया लाइब्रेरी है। मेरे गरीब डैडी का यह मानना था कि सेल्समैन दुनिया की सबसे घटिया काम होती है। जब मैं अपने अमीर डैडी के बताए पहले कदम पर चला और सेल्समैन लाइन में काम ढूंढ लिया, तो मेरे गरीब माता पिता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं कोई अपराधी बन गया था और मैंने कोई बुरा काम कर लिया था। उन्होंने कहा, तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम लोगों का परिवार बुद्धिजीवी है जबकि सेल्समैन दुनिया की सबसे घटिया कौम है। तब मैंने अपने गरीब डैडी से कहा, दुनिया के महानतम नेता दरअसल महान सेल्समैन होते हैं। रोनाल्ड रीगन को देखें, जिन्हें बहुत अच्छा वक्ता समझा जाता है, वहीं जॉन कैनेडी ने लोगों की सोच बदल दी और दुनिया को एक नई दिशा दी। उन्होंने 10 साल से भी कम समय में इंसान को चांद पर पहुंचा दिया। यही महान सेल्समैन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सेल्समैन होते हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता सेल्समैन होते हैं और महानतम धार्मिक नेता भी, क्योंकि उनमें लोगों की जिंदगी बदलने की हिम्मत और कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। 1974 में जब मैंने फेंस पर से कूदने का निर्णय लिया, तो मैं अपने गरीब डैडी की सलाह पर नहीं चला। मैंने सुरक्षित नौकरी की तलाश नहीं की, इसके बजाय मैं जेरोक्स कॉरपोरेशन में नौकरी करने लगा, क्योंकि वहां मुझे बेचने का प्रशिक्षण दिया जाता था। और ज्यादातर लोग बेचना इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो रिजेक्शन से डरते हैं। मैं अब भी रिजेक्शन से नफरत करता हूं, पर मैंने बेचने की कला सीख ली है। और सबसे महत्वपूर्ण सेल्स जॉब जो आप करते हैं, वो आप खुद के साथ करते हैं। हर सुबह जब आप उठकर जिम जाने के बारे में ये सोचते हैं कि आज जिम जाने का मेरा मन नहीं कर रहा,
उसी पल आपकी सेल्समैनशिप शुरू हो जाती है। नहीं, मुझे खुद को जिम ले जाने का फैसला करना चाहिए, आज मैं किसी भी तरह से जिम जाऊंगा, और इस तरह सेल्स की शुरुआत होती है। हमारा उद्देश्य आपको समर्थन देना है। एक बार आप अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लें, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएं, तो फिर आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहुत से लोग आपके समर्थन के लिए आ जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ बढ़िया बात यह है कि ये आपको शिक्षित करता है, ये आपको अलग तरह से सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है, ये आपको न सिर्फ भविष्य के प्रति नई राह दिखाता है, बल्कि ये जिंदगी को देखने का अपना नजरिया भी बदल देता है। इसकी वजह से आपके जीवन पर आपका नियंत्रण होता है और आपको नए दोस्त मिलते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद अपनी बाकी जिंदगी के लिए आप आर्थिक रूप से आजाद रह सकते हैं और आपको पूरी जिंदगी नौकरी की सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहती। पहली बार इतने सारे लोगों के लिए उसी शक्ति का मार्ग खुला है जिस पर अमीर लोग चला करते हैं, और यह मार्ग है नेटवर्क की शक्ति का मार्ग। अब यह आप पर है कि आप कब अपना यह पहला कदम बढ़ाते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का समर्थन इसीलिए करता हूं क्योंकि यहां मुझे बिजनेस एजुकेशन मिलती है। मैं नाइटिंगेल कॉन्वेंट और नाइटिंगेल कॉन्वेंट के प्रोडक्ट्स की तारीफ इसीलिए करता हूं क्योंकि उसने मुझे वर्षों तक मार्गदर्शन दिया है और मेरी मदद की है। इसी कारण मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 साल तक ही नौकरी की। मैं आर्थिक रूप से आजाद हो सका क्योंकि मेरे पास शिक्षा थी, क्योंकि मेरे पास अमीर डैडी का मार्गदर्शन था। आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के पैसे कमाने की शक्ति और इसके दूसरे फायदों को समझ लें। मैं यही चाहूंगा कि आपके सपने सच हों और आपका जीवन भी सफल हो। आप सभी को ये कैसेट सुनने के लिए और मेरी किताब पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद रॉबर्ट। धन्यवाद। आज हम रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट कियोसाकी से नेटवर्क मार्केटिंग के 8 फायदों पर चर्चा कर रहे थे। सुनने के लिए धन्यवाद।